ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की ग्राम पंचायत बमेहरा की हैं, जहां ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बमेहरा निवासी प्रदीप नाथ पांडे, जो कि सचिवालय लखनऊ में कार्यरत हैं, जिन पर आरोप है कि जिले से लेकर ब्लॉक तक के प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर पंकज सिंह के दरवाजे पर जबरन खड़ंजे का निर्माण करवाना चाहते हैं, जबकि उक्त जमीन का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों पर आए दिन दबाव बनाकर प्रकरण को उलझाने का प्रयास किया करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब प्रकरण की स्थलीय जांच करने DDO सीतापुर हरिश्चंद्र प्रजापत पहुंचे, तभी वहां मौजूद कुछ पत्रकार वीडियो बना रहे थे, जिसे देख प्रदीप नाथ पांडे के घर की महिलाएं आग बबूला हो गईं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पत्थर मारने लगीं, जिसकी तस्वीरें आप TV स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। वहीं यह नज़ारा देख अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ा। आरोप है कि पिछले 4 वर्षों से सचिवालय में संपादक के पद पर कार्यरत प्रदीप नाथ पांडे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव के दर्जनों ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और ग्रामवासी इनके प्रशासनिक पहुंच के आतंक से परेशान हैं। इसी क्रम में बीते दिनों सीतापुर जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापत, खंड विकास अधिकारी कसमंडा और अभियंता विकास खंड कसमंडा पर लखनऊ सचिवालय से प्रशासनिक दबाव बनाकर बमेहरा गांव के निवासी कृष्ण कुमार सिंह के सहन पर जबरन खड़ंजा लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कृष्ण कुमार सिंह की आबादी भूमि रकबा 52 खां, जो कि राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अंकित है, जिसे उप जिलाधिकारी सिदौली पर दबाव बनाकर उस आबादी भूमि को तालाब घोषित कर आबादी भूमि पर तालाब खुदवाने का अवैध आदेश भी पारित करवा लिया है, जिसका विरोध ग्रामवासियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। यदि जिला प्रशासन इस सचिवालय कर्मी प्रदीप नाथ पांडे के नाजायज दबाव के चलते इसी प्रकार पीड़ित परिवार को परेशान करता रहेगा और जबरन खड़ंजा यदि लगवाए तो परिवार ने सामूहिक आत्मदाह करने की बात कही है। News 9 लाइव TV के लिए बादल भारती के साथ अरुण सिंह आचार्य की रिपोर्ट। ये बताइए, क्या है पूरा प्रकरण? प्रदीप पांडे हमारे दरवाजे के सामने खड़ंजा लगवाना चाहते हैं। खड़ंजा जबरदस्ती लगवाया गया तो हम आत्मदाह करेंगे, इसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। ये प्रदीप पांडे कौन है? प्रदीप पांडे गिरिजा शंकर के लड़के हैं, सचिवालय। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। बताइए, क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण ये है, हमारे सहन में प्रदीप पांडे, जो कि विधानसभा सचिवालय में संपादक के पद पर हैं, वो जबरदस्ती प्रशासन के बल पर खड़ंजा लगवाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग धरना करेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। कौन है ये प्रदीप पांडे? क्या है प्रदीप पांडे? हमारे पड़ोस के ही हैं, गिरिजा शंकर पांडे के पुत्र हैं। हम लोगों पे 4 साल में कम से कम 40-50 अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, बराबर जांचें हो रही हैं, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है हम सभी को। हमारे भाई सुशील सिंह, जो आई इंडिया के संवाददाता थे, वो इसी दबाव में बीमार हो गए, और पिछले साल हमारे छोटे भाई सुशील सिंह की इसी मानसिक दबाव के कारण मृत्यु हो गई। परंतु अब भी ये लोग हम लोगों पे इतना दबाव बनाए हुए हैं, प्रतिदिन हमारे यहाँ फोर्स आता है, हम लोग दबाव में रहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमें न्याय दिलाएं। मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं भारतीय मजदूर किसान संगठन का जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बताइए, क्या है पूरी घटना? हमारे गांव में प्रदीप पांडे हैं, जो विधानसभा में संपादक के पद पर तैनात हैं, तो गांव में रोज अराजक तक माहौल पूरे तरीके से बना दिए हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक हमारे खिलाफ़ भी एफिडेविट गलत दे के पंचायत में शिकायत की थी। फिर मेरा खुद भारतीय मजदूर किसान संगठन का पैड लेकर उन्होंने चोरी करके एडिट करके उसको उन्होंने गलत गांव वालों के खिलाफ एक शिकायत लिख के डाल दी मुख्यमंत्री जी के नाम से, जो कि शिकायत कहीं पर है भी नहीं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से चलती हुई मालूम हुई। तो मैंने उसमें 420 का अज्ञात में मुकदमा भी लिखवाया। और मामला यह है, गांव में हमारे पंकज सिंह के दरवाजे पर उनकी खुद की ज़मीन अपनी है, सहन है, उस पर वो अवैध तरीके से कब्जा करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो इंटरलॉकिंग लगवाना चाह रहे हैं। लोगों के आवास खड़ंजे, हमारे गांव में सूबेदार सिंह हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, जो पूरे तरीके से अधिकारियों ने उनको पात्र करके आवास दिया, उनकी लगातार जांचें करवा रहे हैं, रिकवरी करवाने के कगार पर है उनकी, तो इस तरीके काम कर रहे हैं, जबकि वो मरणासन्न हैं। अगर इसी तरीके का माहौल रहा बना रहा तो भारतीय मजदूर किसान संगठन इन परिवारों के साथ में है, पूरे तरीके से धरना प्रदर्शन करके, पदयात्रा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर
इनकी शिकायत की जाएगी। वीरेंद्र प्रताप सिंह गोलू नाम है हमारा, बंदेरा में रहते हैं। हमारे वहाँ प्रदीप नाथ पांडे जो विधानसभा में संपादक के पद पे कार्यरत हैं, ये वहाँ से डीएम एसडीएम सीडीओ डीडीओ इनके दबाव डलवा के ग्राम पंचायत की जाँचें करवाते हैं। लोग गरीब लोगों की आवास शौचालय की जाँच और पेंशन कटवा रहे हैं लोगों की। किसी के दरवाजे पंकज सिंह जो जिनके दरवाजे पे ज़बरदस्ती खड़ंजा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के बीच से हम खड़ंजा लगा देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। और हम लोग भी अगर ये सब हुआ तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पैदल मार्च करके मिलेंगे। कौन है ये प्रदीप पांडे? ये प्रदीप नाथ पांडे हमारे बम्भेरा गाँव के ही हैं। इनके पिताजी का नाम गिरजा शंकर पांडे है। ये विधानसभा में संपादक के पद पर हैं और वहाँ से लोग यहाँ जब आते हैं तो नीली बत्ती में आते हैं, नीली जबकि लाल बत्ती नीली बत्ती अलाउ नहीं है। नीली बत्ती में यहाँ आते हैं, गांव में वाँव वाँव करते हैं। और यहाँ लोगों के जिन गरीब लोगों के घर बने हैं उन लोगों की तालाब की जांच की, जिससे उन लोगों के घर गिर जाएं, ये सब बहुत लोगों पूरा 80% गाँव ताड़ित है इनसे। मैं अभिनव त्रिवेदी एबजा तहसील अध्यक्ष। एक हमारे मृतक पत्रकार साथी थे, कसमंडा विकास खंड के रहने वाले थे, बम्भेरा गांव के सुशील सिंह, जिनके खुद की निजी जगह पर एक इंटरलॉकिंग का निर्माण विपक्षी लोग करवाना चाह रहे थे। प्रदीप नाथ पांडे द्वारा कराया जाना था। उसमें मौके पर डीडीओ साहब भी आए हुए थे और उसमें तभी प्रदीप नाथ पांडे के घर की महिलाएं आकर के हमारी पत्रकार साथियों पर ईंटा पत्थर से हमला करना शुरू कर दिए। मौके पर डीडीओ साहब भी थे, हमारे पत्रकार साथी भी थे। और जो प्रदीप नाथ पांडे है वो सुनने में आ रहा है कि सचिवालय में किसी पद पे हैं, मगर प्रशासन पर बेवजह का दबाव बना करके और किसी की निजी भूमि पर इंटरलॉकिंग निर्माण रास्ते का निर्माण कराया जाए तो गलत है। और उस पर ये भी जानकारी मिली है कि वो कोर्ट में विचाराधीन भी है उस जगह का।